हेलो दोस्तों, आई होप यू आर ऑल फाइन। तो हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है वो है एंजाइम्स, और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो आज बेटा हम एंजाइम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे, ठीक है। और आज जो हमारा एंजाइम में टॉपिक है वो है आइसो एंजाइम्स एंड राइबोसाइम्स। ये दोनों टॉपिक जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत इंटरेस्टिंग हैं। तो बहुत दफा जो है ऐसे टॉपिक से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो आप ऐसे टॉपिक्स को भी प्रिपेयर करें। जब देखिए हमने एंजाइम स्टार्ट किया है, तो एंजाइम के अंदर मैं आपको ये स्टडी करवा रहा हूँ, और देखा यह गया है कि इसमें से भी काफी ज्यादा एमसीक्यूज पूछे गए हुए हैं। यहाँ से भी, इस पोर्शन से भी काफी एमसीक्यूज पूछे गए हैं। तो जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, वो आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आइसोएंजाइम्स और राइबोजाइम्स क्या है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आइसोएंजाइम से, ठीक है। देखिए आइसोएंजाइम्स क्या है, ऐसे एंजाइम्स, ये सेम एंजाइम है, ठीक है। एंजाइम्स आर सेम, लेकिन इनकी फॉर्म्स डिफरेंट है। एंजाइम एक ही है लेकिन उसकी फॉर्म्स डिफरेंट है। ऐसे एंजाइम को हम जो है वो आइसो एंजाइम कहते हैं। जैसे आपने केमिस्ट्री में देखा है कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, ठीक है, तीन है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, ठीक है। एलिमेंट सेम है लेकिन उसकी फॉर्म्स डिफरेंट है, क्योंकि उसका जो वेट है वो डिफरेंट है। इन द सेम वे यहाँ बायोलॉजी में भी हम जब आइसोएंजाइम को देखते हैं, तो आइसोएंजाइम एंजाइम सेम होता है, इसका सबस्ट्रेट भी सेम है, फंक्शन भी सेम है, लेकिन इनकी फॉर्म्स डिफरेंट हैं, ठीक है। तो आज हम समझेंगे कि नेचर ने ऐसा क्यों किया है, क्यों एक एंजाइम के डिफरेंट फॉर्म्स बना दी हैं, ऐसा ही ऐसी जरूरत क्यों महसूस हुई। इसकी हम एक एग्जांपल से मैं आपको स्टडी करवाऊंगा इसको। आपने जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना है, ठीक है, जस्ट लिसन केयरफुली। देखिए हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्टिविटी करते हैं, तो ये एक वक्त आता है कि ये हमारे मसल्स थक जाते हैं, इनमें फिटीक स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम मसल फिटीक कहते हैं। पता है ना आपको कि जब हम लेट्स सपोज अगर आप 5-10 किलोमीटर चलेंगे तो आप थक जाएंगे, आपके जो मसल्स हैं ये दर्द करना शुरू कर देंगे, इनमें पेन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उनके अंदर लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब जैसे जैसे हम मसल्स को यूज करेंगे, वैसे वैसे उनके अंदर जो ग्लूकोज है वो भी कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। और क्या होगा कि एक वक्त आएगा कि अब जब एनफ ग्लूकोज वहां पर नहीं रहेगा, ठीक है, तो आपको पता है ना वहां पर पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुवेट बनेगा, बाद में वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें आप देख लीजिएगा। एनीवे, मसल्स के अंदर जब लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद इनमें फर्दर जो है वो एनर्जी नहीं रहती ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकें, इसे हम मसल फेटीग कहते हैं। मजीद हम जो है कोई काम नहीं कर सकते। मसल्स कहते हैं भाई थोड़ी देर के लिए रेस्ट चाहिए, जैसे ही जो है अंदर टिश्यूज में नॉर्मल कंडीशंस होंगी अगेन वो काम करना शुरू कर देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए वो काम नहीं कर सकते। दूसरी तरफ देखा जाए तो कार्डियक मसल जो हैं, वो मसल जो दिल में पाए जाते हैं, हार्ट में मौजूद होते हैं, ये ऐसे मसल्स हैं जो कभी नहीं थकते, जिनमें कभी फिटीग नहीं होती, कभी वो थकते ही नहीं है। अब देखिए एग और स्पर्म, जब से एग और स्पर्म आपस में मिले, जाइगोट बना, और आई थिंक हमारे पैदा होने से 7 माह पहले हार्ट जो है वो बनता है और हरकत करना शुरू कर देता है, ठीक है, और टिल हमारी डेथ तक जो है ये हरकत करता रहता है, मूव करता रहता है, थकता नहीं है, नॉन स्टॉप है, नॉन स्टॉप ये हरकत कर रहा है, और 1 सेकंड में आपको पता है कि ये 2 दफा हरकत करता है, ब्लड को पंप करता है, ठीक है, एक एक सेकंड में 2 दफा ये हरकत करता है, थकते नहीं है, ना थकने वाले मसल्स हैं। तो ये थकते क्यों नहीं है, ये स्केलेटल मसल्स की तरह क्यों नहीं थकते, ये क्यों मसलसल इतनी देर से काम कर रहे हैं, इसकी वजह यह है कि इनमें लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन नहीं होने देते, इनमें लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। आखिर कौन सी ऐसी चीज है जो इनके हार्ट मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन को रोकती है, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन नहीं होने देती, वो है आइसो एंजाइम, ठीक है। चलिए इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। एक एंजाइम है बेटा लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, नोट कर ले, पेंसिल और नोटबुक साथ जरूर रखा करें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको लगते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है वो आप जरूर नोट किया करें, ठीक है। लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज बेटा एक ऐसा एंजाइम है जो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन को स्टॉप करता है, रोकता है, ठीक हो गया। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल ये जो है, ये एंजाइम फॉर एग्जाम्पल ये एंजाइम जो है ये काम करता है 6 pH पे, ठीक है, इसकी जो pH है जिस पे ये बेस्ट एक्टिविटी करता है वो 6 है।
अगर ये 6 पीएच डिस्टर्ब होगी तो ये काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, मेरी बात को जरा ध्यान से आपने सुनना है। ठीक है, देखिए लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज ऐसा एंजाइम है फॉर एग्जाम्पल जो एक खास पीएच पे काम कर रहा है, 6 पे। अब जैसे ही 6 पीएच डिस्टर्ब होगी तो ये लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज काम नहीं करेगा। आपको पता है ना कि हर एंजाइम जो है उसकी एक स्पेसिफिक पीएच होती है, अपनी अपनी पीएच पे एंजाइम काम कर रहे होते हैं। जैसे ही वो पीएच डिस्टर्ब होती है तो वो एंजाइम भी, उनकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है, वो काम करना बंद कर देते हैं, उनकी एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, तो अब फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये हार्ट में, फॉर एग्जाम्पल हार्ट में ये लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम क्या करते हैं, हार्ट में लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन को रोकते हैं, स्टॉप करते हैं। अब फर्ज कर लेते हैं कि हार्ट के अंदर ये लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज सिर्फ और सिर्फ 6 पीएच पे काम कर रहे हैं, तो कल को अगर हार्ट के पीएच, जो हार्ट के मसल्स हैं, कार्डिक मसल जो हैं, इनकी पीएच डिस्टर्ब होती है किसी वजह से, ये 7 पे चली जाती है, तो इसका क्या मतलब है कि लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज काम नहीं करेगा और हार्ट के अंदर लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी और हार्ट हार्ट के जो मसल्स हैं ये थकना शुरू हो जाएंगे, फिटीग स्टार्ट हो जाएगी और अल्टीमेटली जो है ये अपनी एक्टिविटी स्टॉप कर देंगे, थक जाएंगे और इस तरह हमारी भी डेथ हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह ये जो है पीएच 5 पे चली जाती है, पीएच 5 हो जाती है तब भी यही सीन होगा कि ये जो है काम नहीं करेंगे। नेचर ने एक बंदोबस्त किया है, नेचर ने एक बहुत ही खूबसूरत अरेंजमेंट किया है हार्ट के अंदर कि अगर हार्ट की पीएच कल को डिस्टर्ब हो भी जाती है, मान लीजिए ये 3 पे हो जाती है, 2 पे हो जाती है वगैरह वगैरह, ठीक है, डिफरेंट पीएच पे, डिफरेंट पीएच कोई भी हो जाती है हार्ट के अंदर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं, 3, 2 पहले आना था, ठीक है, 3, 2, 5, 6, 7, 10, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये डिफरेंट रेंज है पीएच की। ठीक है, तो अब होता यह है कि नेचर ने क्या किया है कि लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है इसकी डिफरेंट फॉर्म्स बना दी हैं। इसकी कुछ फॉर्म जो है वो 2 पे काम कर रही हैं, इसकी कुछ फॉर्म जो है वो 3 पे काम कर रही हैं, इसकी कुछ फॉर्म्स 5 पे कर रही हैं, कुछ 6 पे, कुछ 7 पे कर रही हैं और कुछ जो है वो 10 पे कर रही हैं। तो अब देखिए एंजाइम सेम है, एंजाइम इज सेम, लेकिन इस एंजाइम की फॉर्म्स आगे से डिफरेंट हैं जो डिफरेंट पीएच पे काम कर रही हैं। अब मैं क्या कहना क्या चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कल को हार्ट की पीएच चेंज होती भी है, ठीक है, तो लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज की डिफरेंट फॉर्म जो है ये काम करती रहेगी। अगर लैक्टिक अगर हार्ट की पीएच जो है वो 5 पे आती है फॉर एग्जांपल, तो बाकी एंजाइम जो है वो अपना काम करते रहेंगे। जस्ट 5 वाला अगर लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज काम नहीं कर रहा, ठीक है, इसकी पीएच डिस्टर्ब हुई है तो बाकी तो काम कर रहे हैं ना, बाकी तो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन नहीं होने दे रहे, ठीक है, अगर 10 वाले की डिस्टर्ब होती है तो बाकी काम कर रहे हैं। तो इस तरह नेचर ने एक बैकअप बना दिया है, लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज की डिफरेंट फॉर्म्स बना दी हैं हार्ट के अंदर और हर पीएच पे हर जो है वो इसकी डिफरेंट फॉर्म जो है वो काम कर रही हैं। इस तरह कभी भी हार्ट के मसल्स के अंदर जो है वो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन नहीं होती और वो काम करता रहता है, इसी को हम आइसो एंजाइम कहते हैं। यही लैक्टोडिहाइड्रोजनेज जो इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जो डिफरेंट पीएच पे काम कर रही है, इसको आइसो एंजाइम कहते हैं। ठीक है, चले इसको देख लेते हैं एक दफा फिर से। दीज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एंजाइम परफॉर्म सेम फंक्शंस आर कॉल्ड आइसोएंजाइम। यानी कि देखें बेटा, ये जो फंक्शन सेम है, लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज जो है फंक्शन तो सेम है ना, लेकिन बेशक ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं इसकी, ठीक है, जो डिफरेंट पीएच पे काम कर रही है, लेकिन इनका फंक्शन जो है वो सेम है, सेम स्पीशीज के अंदर पाए जाते हैं, सेम ऑर्गेनिजम्स के अंदर है, सेम सबस्ट्रेट है इनका, ठीक है, कोई भी फर्क नहीं है, जस्ट इनके मॉलिक्यूलर वेट वेरी होने की वजह से एक एंजाइम की डिफरेंट फॉर्म्स बन जाती हैं, फॉर एग्जांपल लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसकी एग्जांपल्स हैं लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज की, 5 फॉर्म्स हैं लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज 1 से लेकर लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज 5 तक जो है इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग जो एग्जाम्पल है देखें अल्फा अमाइलेज। देखें अल्फा अमाइलेज बेटा एक ऐसा एंजाइम है जो कि सीड के अंदर मौजूद होता है, सीड का जो एंडोस्पर्म टिश्यू है, ठीक है, ये इसकी ब्रेकडाउन करता है। अल्फा अमाइलेज सीड के एंडोस्पर्म टिश्यू की ब्रेकडाउन करता है, इसको तोड़ता है, ठीक है, इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है और उस तरह सीड में मौजूद एम्ब्रियो जो है उस फूड को लेता है और जर्मिनेट कर देता है। ठीक है, तो अल्फा अमाइलेज जो है ये सीड की जर्मिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी एंजाइम है।
ठीक है, हमें पता है कि जब सीड को किसी सॉइल के अंदर जो है वो रखा जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये सीड है, ये सीड के अंदर ये जो है ये इसका एम्ब्रियो है, ठीक है, ये गया इसका एम्ब्रियो, और ये सीड का ये जितना भी व्हाइट पोर्शन है ये इसका क्या है, ये बेटा इसका एंडोस्पर्म है, ठीक है, एंडोस्पर्म उसकी स्टोर्ड फूड है, एंडोस्पर्म इज ए स्टोर्ड फूड इन सीड, ठीक है, ये देखिए ये सारी की सारी क्या है, एंडोस्पर्म, ठीक हो गया। आप देखिए ना ये आटा जो है, जो भी हम आटा खाते हैं, गंदम, ठीक है, ये सारा का सारा एंडोस्पर्म ही तो होता है, ठीक है, चावल है, एंडोस्पर्म है, ठीक हो गया। एनीवे ये देखिए ये सीड जो है इसके अंदर ये सारे का सारा जो है ये क्या है, इसका एंडोस्पर्म है। अब होता यूं है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जर्मिनेशन ये एंडोस्पर्म टूटता है, अल्फा माइलेज एंजाइम इस एंडोस्पर्म को तोड़ता है, ये सिंपलर होता है, इस एम्ब्रियो को मिलता है, इसकी वजह से ये क्या कर जाता है, ये बेटा जर्मिनेट कर जाता है, ठीक है, ये सीड की जर्मिनेशन हो गई। लेकिन एक चीज आपने जरा नोट करनी है कि ये जिस सॉइल में मौजूद है क्या उस सॉइल की पीएच सेम है, क्या हर इलाके की जो सॉइल है उसकी पीएच सेम हो सकती है? देखिए सॉइल की पीएच वेरी कर सकती है, सॉइल की पीएच जो है वो फॉर एग्जाम्पल 9 भी हो सकती है, सॉइल की पीएच जो है वो 10 भी हो सकती है, सॉइल की पीएच जो है वो 5 भी हो सकती है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, और आप पॉइंट पे भी पहुंच गए हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कि देखिए जिस तरह हार्ट के केस में हमने स्टडी किया है, उसी तरह आप सॉइल को देखें, सॉइल एक ऐसा मीडियम है जिसके अंदर डिफरेंट पीएच हो सकती है। अब अल्फा माइलेज अगर एक ही पीएच पे काम करता हो तो डेफिनेटली ये उसी मिट्टी के अंदर काम करेगा जिसकी पीएच वो होगी जिस पे ये काम कर रहा है, लेट्स सपोज वो 5 है, ठीक है, मान लेते हैं कि अल्फा माइलेज जो है ये 5 पीएच पे काम करता है, इसका मतलब है सीड सिर्फ जो है वो 5 पीएच वाली सॉइल पे काम करेंगे, लेकिन सॉइल ऐसा मीडियम है जिसकी पीएच वेरी कर सकती है, डिफरेंट हो सकती है, इसलिए नेचर ने क्या, यहां पर भी एक नेचर ने ऐसा अरेंजमेंट किया है कि अल्फा माइलेज की डिफरेंट फॉर्म्स बना दी है, अल्फा माइलेज का काम एक ही है एंडोस्पर्म की ब्रेकडाउन, लेकिन इसकी फॉर्म डिफरेंट है, इसलिए डिफरेंट फॉर्म्स हैं ताकि डिफरेंट जो सॉइल की पीएच है वहां पर ये काम कर सके, अगर सॉइल की पीएच 5 है तो वहां पर भी ये काम कर सके, अगर सॉइल की पीएच 10 है तो वहां पर भी ये काम कर सके, अगर सॉइल की पीएच 3 है तो वहां पर भी ये काम कर सके। तो अल्फा अमाइलेज ऐसे आइसो एंजाइम्स हैं जिनका काम सेम है, जिनका काम सेम है लेकिन ये डिफरेंट पीएच पे काम करें, इनकी डिफरेंट फॉर्म्स है, 16 है ये, ठीक है, नोट करते जाए साथ साथ। अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज है मेज के अंदर, इसकी 4, ये 4 आइसोएंजाइम है, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। अब जरा हम देखते हैं इसका इसकी इंपॉर्टेंस क्या बेटा, आइसोएंजाइम की वजह से ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट हैबिटेट के अंदर जो है वो एडजस्ट हो सकते हैं वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर। अब देखें जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल अल्फा माइलेज की बात करता हूँ, अल्फा माइलेज की वजह से सीड जो है वो 3 पीएच वाले एनवायरमेंट कंडीशन वाले में भी जर्मिनेट कर सकते हैं, अल्फा माइलेज की डिफरेंट फॉर्म्स की वजह से वो 5 पीएच वाली सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं, 10 में भी कर सकते हैं, 8 में भी कर सकते हैं, तो इस तरह कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन हो, एनवायरमेंटल कंडीशन हो, वहां पर वो इजिली अडेप्ट हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एवोल्यूशनरी जो है वो अडेप्टेशन है इनके अंदर, ठीक है। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं एंजाइम्स को लेके, ठीक है बेटा, आपने ये इंड्यूसेबल एंजाइम्स का नाम सुना होगा, और आपने ये लैक ऑफ प्रॉन जो है इसकी एग्जांपल है, आपने ये भी सुना होगा बैक्टीरिया के अंदर, ये जैकब और मोनॉड ने जो है ये वो स्टडी किया था, डिस्कवर किया था इसको, जो भी है, ठीक है। तो जस्ट हमारा फोकस एंजाइम के ऊपर है कि ये किस इंड्यूसेबल एंजाइम किस किस्म के हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। तो आप जो है इंड्यूसेबल ये लैक ऑफ प्रॉन जो है ना बैक्टीरिया का के अंदर जो भी जैसे भी ये फंक्शन काम कर रहा है वो आप स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है, मैं भी आगे इनके ऊपर लेक्चर्स रखने वाला हूँ, लेकिन आप एक दफा इसको खुद से भी स्टडी कर लीजिएगा। एनीवे इंड्यूसेबल एंजाइम की तरफ हम आते हैं। अब होता बेटा यूं है कि इंड्यूसेबल एंजाइम है क्या, अब इसको जरा मैं यहां से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज कि ये बेटा बैक्टीरिया है, ठीक है, ध्यान से मेरी बात आपने समझ ली, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया का डीएनए है। अब बैक्टीरिया को नॉर्मली जो है क्या है, नॉर्मली जो फूड मिल रही है, ठीक है, ये देखिए ये फूड मिल रही है, ये फूड है, ठीक है, अब ये इसको जो है वो लैक्टोज मिल रही है, ठीक है, लैक्टोज लैक्टोज, ठीक है, मान लीजिए आपने दूध पिया, आपके इंटेस्टाइन में ये बैक्टीरिया थे, आप दूध के अंदर लैक्टोज शुगर थी, ठीक है, लैक्टोज, ठीक है, ये लैक्टोज शुगर हो गई,
ये लैक्टोज शुगर जो है बेटा ये इंड्यूसर है, इसको क्या कहेंगे, इंड्यूसर, ये इंड्यूसर मॉलिक्यूल है। जैसे ही बैक्टीरिया इस ये इंड्यूसर मॉलिक्यूल बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, ठीक है, तो बेटा बैक्टीरिया के अंदर ऐसे इंजाइम बनना शुरू हो जाएंगे जो इस लैक्टोज को तोड़ेंगे। आमतौर पर जब लैक्टोज नहीं होती तो ये सिस्टम इसका ऑफ रहता है, लैकोप्रॉन, पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है, लैकोप्रॉन जो है ये बैक्टीरिया के अंदर सिस्टम ऐसा, ठीक है, ये आमतौर पर जो है ये ऑफ रहता है, जब लैक्टोज नहीं होती ये ऑफ रहता है, कोई भी इस तरह के एंजाइम नहीं बन रहे होते, इंड्यूसेबल एंजाइम्स नहीं होते। जब बैक्टीरिया को लैक्टोज नहीं मिल रही होती तो कोई भी इंड्यूसेबल एंजाइम इसके अंदर मौजूद नहीं होते, लेकिन जैसे ही इसको लैक्टोज मिलती है बाहर से इन्वायरमेंट से इसको लैक्टोज मिलती है, ठीक है, तो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने दूध पिया, दूध में लैक्टोज थी, वो दूध जब आपकी इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया थे, ठीक है, उनको जब लैक्टोज मिलेगी आपकी इंटेस्टाइन में, तो क्या होगा कि उनके अंदर ये इंड्यूसेबल एंजाइम की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब बैक्टीरिया के अंदर एक ऐसा सिस्टम ऑन हो जाएगा, एक ऐसा सिस्टम, उसको लैकोप्रॉन कहते हैं, ठीक है, ये सिस्टम है, ये आप देख लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। अब बैक्टीरिया क्या करेंगे, ऐसे इंजाइम बनाएंगे, ऐसे इंजाइम अपने अंदर बनाना शुरू कर देंगे जो कि इस लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में तोड़ देंगे। आपको पता है ना, लैक्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज, ये दो शुगर्स हैं, सिंपल शुगर्स हैं। तो जैसे ही ये लैक्टोज इसके अंदर जाएगा, ठीक है, तो ये ऐसे एंजाइम तैयार करेगा जो कि इस लैक्टोज को तोड़कर ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक हो गया। लेकिन ये सिर्फ तभी होगा जब इसको लैक्टोज मिलेगा, अगर लैक्टोज नहीं है तो ये जो है ये एंजाइम्स की फॉर्मेशन भी नहीं होगी। इसका मतलब ये सिस्टम बंद पड़ा था, इसको ऑन किया गया, ये सिस्टम कब ऑन हुआ है, जब इसको लैक्टोज मिला, जब लैक्टोज नहीं था मिला तो तब ये सिस्टम ऑफ था, ठीक है, ऑफ था, ये बंद था, कोई भी इंड्यूसेबल एंजाइम नहीं था बन रहा, लेकिन जैसे इसको लैक्टोज मिला है तो ये सिस्टम ऑन हो गया, ठीक है, इसको ऑन कर दिया गया है। जैसे ही सिस्टम ऑन हुआ है एंजाइम की फॉर्मेशन हुई है, ऐसे इंड्यूसेबल एंजाइम्स बने हैं जिन्होंने, जैसे बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ठीक है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जो है बैक्टीरिया के अंदर, ये मैंने एग्जांपल दी हुई है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनना शुरू हो जाएगा, लैक्टोज मिलेगा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, लैकोप्रॉन सिस्टम के अंदर। तो जैसे ही बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनेगा, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज इस लैक्टोज के ऊपर वर्क करेगा, तोड़ेगा इसको और इसको ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ऐसे एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं, इंड्यूसेबल एंजाइम्स। तो ये एंजाइम तब बनते हैं जब बैक्टीरिया को एक स्पेसिफिक इंड्यूसर मॉलिक्यूल मिलता है, ठीक हो गया। तो ये है जी इंड्यूसेबल एंजाइम। अब रिप्रेसिबल एंजाइम्स क्या होते हैं बेटा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, रिप्रेसिबल एंजाइम। आमतौर पर क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है इसको ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, ट्रिप्टोफैन, ठीक है, ट्रिप्टोफैन चाहिए इसको, ट्रिप्टोफैन बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। यानी मुसलसल आपको ये जिस जिस कल्चर में भी आपको ग्रो करवा रहे हैं, ठीक है, वहां पर आपको ट्रिप्टोफैन प्रोवाइड करना पड़ेगा, ट्रिप्टोफैन मुसलसल बैक्टीरिया को जो है वो मिल रहा है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, ट्रिप्टोफैन मुसलसल इसको मिल रहा है, यानी मुसलसल इसको ट्रिप्टोफैन मिलना चाहिए इसके इन्वायरमेंट से, तभी बैक्टीरिया जो है वो अच्छे तरीके से नॉर्मली ग्रो कर पाएंगे, ठीक हो गया। फर्ज कर लेते हैं कि बैक्टीरिया को अब वो ट्रिप्टोफैन नहीं मिल रहा, बैक्टीरिया को बाहर से ट्रिप्टोफैन मिलना बंद हो गया है, उसकी सप्लाई स्टॉप हो गई है। अब आपने इसको फर्ज कर लेते हैं एक ऐसे मीडियम रखा है जहां पर ट्रिप्टोफैन नहीं है, तो अब बैक्टीरिया ने जिंदा तो रहना है, उसने सर्वाइव तो करना है। अब बैक्टीरिया क्या करेगा कि बेटा अपने डीएनए के अंदर ऐसे सिस्टम को ऑन कर लेगा जो कि खुद ट्रिप्टोफैन की फॉर्मेशन कर रहा हो, यानी कि यहां पर ऐसे एंजाइम बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, जो कि इस बैक्टीरिया के अंदर ट्रिप्टोफैन की बायोसिंथेसिस स्टार्ट कर देंगे। यानी बैक्टीरिया को अगर ट्रिप्टोफैन आप नहीं भी प्रोवाइड कर रहे, बैक्टीरिया को नॉर्मली अपने एनवायरनमेंट से ट्रिप्टोफैन नहीं भी मिल रहा, तो फिर ये क्या करेगा कि अपने अंदर ऐसे एंजाइम बनाएगा जो कि क्या करेंगे, इसके अंदर ट्रिप्टोफैन की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देंगे, तो वो एंजाइम रिप्रेसिबल एंजाइम्स कहलाते हैं, ठीक हो गया। अब ये जो है जैसे ही स्पेसिफिक सबस्ट्रेट यानी ट्रिप्टोफैन मिलना बंद हो जाएगा तो इसके अंदर ऐसा सिस्टम ऑन हो जाएगा जो कि ऐसे एंजाइम पैदा करेगा जो कि इसके अंदर ट्रिप्टोफैन की फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए दो इंपॉर्टेंट चीजें, इंड्यूसेबल एंजाइम और रिप्रेसिबल एंजाइम, कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, आपने इनको नोट कर लेना है। नाउ वी कम्स टू कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम। कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम बेटा मुसलसल मिलने वाले एंजाइम, ऐसे एंजाइम जो कॉन्स्टेंट सप्लाई में चाहिए सेल्स को,
ठीक है, इनकी सप्लाई हर वक्त चाहिए, चाहे जैसी भी कंडीशन हो ये मुसलसल मिलेंगे तो काम चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोलाइसिस तो हर टाइम हो रही है, हर सेल में आप देख लें ग्लाइकोलाइसिस हो रही होती है, तो वहां पर कोई ऐसी कंडीशंस नहीं है। हर टाइम सेल को वो एंजाइम चाहिए, हर टाइम ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, हर वक्त वो एंजाइम जो है मुसलसल चाहिए। ऐसे एंजाइम्स को हम कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम्स बोलते हैं। ठीक हो गया, ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में नहीं बन रहे, इनके लिए कोई कंडीशंस मुकर्रर नहीं की गई। ठीक है, ये जस्ट जो है ये इनको ये चाहिए बस सेल्स को, हर वक्त हर टाइम कांस्टेंट जो सप्लाई में इनकी जरूरत पड़ती है। ठीक हो गया, अब हम आते हैं हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम की तरफ। बेटा ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए बाज़ क्या होता है, सेल ने जब डाइजेशन करनी होती है, सेल के अंदर जब डाइजेशन होती है, तो हमें पता है डाइजेशन क्या है कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स इज नोन एज डाइजेशन। ठीक है, तो देखिए ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है कि ऐसे ही, ये फॉर एग्जांपल ये एक पॉलीसेक्राइड चेन है। ठीक है, ये पॉलीसेक्राइड चेन है, फॉर एग्जाम्पल ये पॉलीसेक्राइड चेन है। ठीक है, अब ये एंजाइम क्या करते हैं बेटा, ये एंजाइम क्या करेंगे, वाटर को लेंगे। ठीक है, ये एंजाइम क्या करते हैं, वाटर जो है वाटर इसको ये इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, आई एम सॉरी ये स्लो लिखा जा रहा है। ठीक है, मैं जल्दी ही कोई ऐसी वो सेटअप लगाऊंगा जिसमें अच्छे तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाए, अभी बस आप इसको मैनेज कर लें। देखिए ये क्या करेंगे कि ये एंजाइम हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम बेटा क्या करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के अंदर वाटर की एडिशन करेंगे। ठीक है, यहां पर वाटर को ऐड करेंगे और वाटर को ऐड करके इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स को तोड़ेंगे, जिससे ये टूट जाएगा, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखिए इसी को डाइजेशन कहते हैं, ये सिंपलर मॉलिक्यूल बनते जाएंगे और ये डिफ्यूजेबल है। ठीक है, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये आसानी से सेल्स के अंदर डिफ्यूज हो सकते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यह है कि ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़ा गया है बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऐसे एंजाइम्स को हम हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम कहते हैं। ठीक हो गया, अब इन अ सेल डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर मोस्टली लोकेटेड इन लाइसोसोम्स। अब ये जो हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स हैं मोस्टली कहाँ होते हैं, लाइसोसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं। और आपको पता है ना, लाइसोसोम सेल्स के अंदर ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो कि सेल्स में मौजूद वेस्ट मटेरियल, ठीक है, और जो भी सेल्स के लिए यूजफुल मटेरियल नहीं होते उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आउट ऑफ द टोटल एंजाइम्स प्रेजेंट इन द सेल, अब बहुत इंटरेस्टिंग है कि सेल के अंदर अब जितने भी एंजाइम्स हैं उन तमाम एंजाइम्स का 70% जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद है। अब यहां से बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगा सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्यों इनको पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और 70% एंजाइम्स यहां पर मौजूद होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है राइबोसोम्स। अब बेटा राइबोसोम्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा थोड़ा सा अपने गौर से इनको समझना है। ठीक है, सेल के अंदर, ठीक है, किसी भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये देखें ये न्यूक्लियस है। ठीक है, हम सॉरी ये छोटा बन गया है, ये देखिए डीएनए से हमें पता है आरएनए बनता है। ठीक है, आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये देखिए ये डीएनए है, डीएनए, डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। ठीक है, ये बन गया, ये है डीएनए, ओके, और डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, अब ये आरएनए जो है बेटा इसके ऊपर ऐसी इंफॉर्मेशन है जो डीएनए से आई है, डीएनए अपनी सारी की सारी मालूमात के प्रोटीन्स को कैसे बनाना है, कैसे माइनोसर्स को जोड़ना है, किस तरह की कोई चीज बनानी है, वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो डीएनए किसके ऊपर ट्रांसफर करता है, आरएनए के ऊपर। ठीक है, आरएनए, अब आरएनए जब बनता है, जब न्यूली सिंथेसाइज्ड जो आरएनए होता है इसके ऊपर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी होती हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन भी होती हैं जो सेल जो नहीं चाहिए, जो रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, जो फजूल में है, जिसका कोई काम नहीं है। ठीक है, ये देखें इसके अंदर यूजफुल भी इंफॉर्मेशन है और ऐसी इंफॉर्मेशन है जो यूजफुल नहीं है, दोनों इंफॉर्मेशन इसके ऊपर मौजूद है। ठीक, ये जो न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए बना है। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे ही आरएनए बना है तो जाहिर इसके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है जो सेल को नहीं चाहिए, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, जिस
ठीक है, उनको डिलीट करना है, जस्ट उनको डिलीट करना है। ठीक है, अब जरा हम पहले इसको रीड कर लें ताकि इसको फिर हम आसानी से समझ सकें। स्टडी ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग। बेटा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल समझ लें क्या होते हैं, कि आरएनए बने, आरएनए बनने के बाद इस आरएनए के अंदर जो प्रोसेसिंग है, आरएनए के अंदर जो प्रोसेसिंग होनी है आरएनए की फॉर्मेशन के बाद, इसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग कहते हैं। हैज लीड टू द मोस्ट एक्साइटिंग डिस्कवरी ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द सम कैटालिटिक आरएनए मॉलिक्यूल व्हिच हैव कॉल्ड एज आरएनए एंजाइम्स और राइबोसोम्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैं आपसे डिस्कस करना ही भूल गया हूँ। देखिए राइबोसोम्स जो हैं बेटा, ये बुनियादी तौर पर इंजाइम्स नहीं होते। ठीक है, ये इंजाइम्स नहीं है, राइबोसोम्स आर नॉट इंजाइम्स, ये इंजाइम्स की एक्सेप्शंस हैं, राइबोसोम्स आर नॉट इंजाइम्स। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं कि कैटालिटिक आरएनए मॉलिक्यूल व्हिच हैव कॉल्ड आरएनए एंजाइम्स आर राइबोसोम्स। ये कैटालिटिक आरएनए मॉलिक्यूल है। हमने देखा ना कि ऑल एंजाइम्स, ठीक है, कि तमाम जो एंजाइम्स हैं वो ये काम, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो है ये क्या कर सकते हैं, कैटालिटिक एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये जो है राइबोसोम्स की एक्सेप्शंस में आ जाता है। ठीक हो गया, अब ये देखिए, ये आरएनए बना था ना, जो भी आरएनए, अब इसकी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस यानी इसके इसमें से जो अनयूजफुल चीजें हैं, जो जरूरत नहीं है, उनको डिलीट करवाना, ठीक है, उनको खत्म करना, ताकि यूजफुल चीजों को जो है यहाँ पर जोड़ा जा सके, वो सारा काम जो है ये राइबोसोम्स करते हैं। राइबोसोम्स क्या है, कैटालिटिक आरएनए मॉलिक्यूल व्हिच हैव कॉल्ड एज आरएनए एंजाइम्स आर राइबोसोम्स। ठीक है, अब ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन्स एज कंफर्म्ड बाय चेक एंड ऑल्टमैन इन 1993। अब ये बात हमें किसने बताई कि तमाम एंजाइम जो है ये प्रोटीन नहीं होते, ये बात हमें किसने बताई, ये जो है 1981 में चेक और ऑल्टमैन ने, आई थिंक ये थॉमस चेक है, ठीक है, इनका पूरा नाम थॉमस चेक का, आई थिंक कंफर्म कर लीजिएगा, थॉमस चेक, ठीक है, एंड ऑल्टमैन, इन दोनों ने बेटा ये सबसे पहले इन्होंने इसके ऊपर स्टडी की, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस के ऊपर, ठीक है, और इन्होंने हमें ये बताया कि तमाम इंजाइम्स बुनियादी तौर पर जो है, ठीक है, ऑल इंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन्स, कि तमाम इंजाइम्स प्रोटीन्स नहीं है, कुछ ऐसे इंजाइम्स भी हैं जो नॉन प्रोटीन होते हैं, और वो क्या है, राइबोसोम्स यानी आरएनए मॉलिक्यूल्स। किसने बताया, चेक और ऑल्टमैन ने, ठीक, डिफरेंट डिफरेंट वेज में। राइबोसोम्स एंड आरएनएज पी आर टू नॉन प्रोटीन एंजाइम्स। अब एग्जाम्पल नोट कर ले, राइबोसोम्स एंड आरएनएज पी आर टू नॉन प्रोटीन एंजाइम्स वेयर आरएनए एक्ट्स एज कैटालिस्ट। तो बेटा आरएनए भी कैटालिटिक एक्टिविटी कर सकता है, इसलिए आर एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन्स एज कंफर्म्ड बाय चेक। ठीक है, तमाम एंजाइम्स प्रोटीन नहीं है, एंजाइम्स के अलावा भी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कैटालिटिक एक्टिविटी कर सकते हैं, वो है जी आरएनए, ठीक है, राइबोसोम्स और आरएनएज भी। राइबोसोम्स वाज रिपोर्टेड फ्रॉम, और अब ये इसकी डिस्कवरी कहां से हुई थी, ये एक प्रोटोजोआ है, टेट्राहेमन्स, ठीक है, ये नोट कर ले, साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। राइबोसोम्स को सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था टेट्राहेमन प्रोटोजोआ से, किसने, इसको 1981 में चेक ने जो है ये रिपोर्ट किया था, ठीक है, टेट्राहेमन ये प्रोटोजोआ से। देखिए एमसीक्यू बन सकता है कि कहां से ये जो राइबोसोम जो कि इसको कहां से डिस्कवर किया गया, ये टेट्राहेमन प्रोटोजोआ से इसको डिस्कवर किया गया। द सबस्ट्रेट फॉर इट्स यूजुअली आरएनए मॉलिक्यूल, इसका जो सबस्ट्रेट है वो क्या होता है, आमतौर पर आरएनए मॉलिक्यूल, यानी ये आरएनए के मॉलिक्यूल के ऊपर ही वर्क करता है। ठीक है, तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन यानी जब डीएनए से आरएनए बनता है, तो ये जो न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए होता है, बनने के बाद क्या होता है कि इसके अंदर जो जो अनयूजफुल इंफॉर्मेशन है, जिसकी जरूरत नहीं है, उसको डिलीट कर दिया जाता है, और यूजफुल इंफॉर्मेशन को जो है ऑर्गेनाइज करके फिर साइटोप्लाज्म में भेजा जाता है, ठीक है, ताकि उसके मुताबिक जो है वो अमाइनो एसिड को कोड किया जा सके। तो जब ये न्यूली बनता है, तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जरूरत नहीं है जिन चीजों की, तो उनको डिलीट करना, खत्म करना ही इसका काम है। ठीक है, तो आज बेटा हमने इन दो कॉन्सेप्ट्स को देखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, ये जो चीजें मैंने डिस्कस की हैं यही मेन मेन और इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मुझे समझ में आई हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस कर लेना चाहिए। तो आप खुद भी इनको डिफरेंट सोर्स से देख लीजिएगा, जो आपसे एमसीक्यूज बन सकते हो इसको जरूर बनाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर लिसनिंग।